बिगुल के साथ करते हैं स्वागत शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, सर बताएं, स्वागत है आपका। पहली पिक एक है, अनेक है? अनिल जी दो पिक है, एक कैश मार्केट की और एक एफएनओ स्पेस से। तो पहले कैश से शुरुआत कीजिए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो कैश मार्केट का आज का स्टॉक है वो स्टॉक एक फार्मा कंपनी है, एक मिड साइज फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है थेमिस मेडिकेयर। ये कंपनी एपीआई के कारोबार में तो है ही है, इसके अलावा कंपनी का जो मेन फोकस है वो पेन मैनेजमेंट, क्रिटिकल केयर और एंटी इन्फेक्टिव बनाने का है, जो कि इस कोरोना के दौरान बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो सिर्फ 12 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के है, रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं, डेट इक्विटी रेशियो 0.48 का है और पिछले 3 साल में प्रॉफिट में 30.87% की कैगर से ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। FY19 में जहां 13 करोड़ का नुकसान था कंपनी को, वहां FY20 में 15 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। जून क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे थे, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है और DII इज अराउंड 9% स्टेक इसमें ओन करते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है जो 345 के आसपास के लेवल से यहाँ पे खरीदना चाहिए, 370 के टारगेट है शॉर्ट टर्म में और 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। 330 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी 370 के टारगेट के लिए। ये है राय थेमिस मेडिकेयर में खरीदारी। मेरे ख्याल से पहले एक बार जैन साहब ने भी शायद इसे रिकमेंड किया था। जैन साहब ने क्या, आपने क्या हुआ पहले सेठी साहब इसे रिकमेंड? नहीं अनिल जी मैंने नहीं किया हुआ। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो बेहतरीन फार्मा कंपनी, यहाँ पर फार्मा कंपनी पर फोकस बरकरार है सेठी साहब का, न सिर्फ थेमिस, कल भी आपका फार्मा स्टॉक ही था ना, कल अल्बर्ट डेविड। यस यस यस। अच्छा हाँ, एक एफएनओ का स्टॉक भी आप बताएं सर। अनिल जी एफएनओ स्पेस से आज खरीदारी करने की सलाह है। बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2260 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल से बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले वीक में यानी मंडे ट्यूजडे तक वी वुड सी लेवल ऑफ 2325 रुपीज ऑन द स्टॉक। स्टॉप लॉस रखना है 2235 रुपए का। मुझे लगता है ये स्टॉक में भी, जैसे मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, ये जो रिटेल जो इनका कारोबार है उसमें जो डील्स हुई है, जैसे 3 डील्स का तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया है, आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है वहां पे और कुछ डील्स के अनाउंसमेंट आ सकते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और मेरी सलाह रहेगी कि इस लेवल पे खरीदे 2325 के टारगेट के लिए। हीरो और डॉक्टर की तरह चलेगा ये भी? हाँ बिल्कुल, लग रहा तो ऐसे ही है अनिल जी, लग रहा तो ऐसे ही है एक्चुअली। कल परसों बहुत अच्छा मौका था 2180-2190 के लेवल पे खरीदारी करने का, बट अभी भी जिस तरह के न्यूज फ्लो एक्सपेक्टेड है मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल कर सकता है। और मैं तो अपने क्लाइंट्स को, लोगों को यही बोलता हूँ कि इस स्टॉक को लेके बिल्कुल दिवाली तक शांति से बैठना चाहिए और मुझे लगता है 2500-2600 के लेवल दिवाली तक आ सकते हैं स्टॉक। हाँ 2500-2600 दिवाली तक? बिल्कुल अनिल जी। अच्छा तो निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल भी बताओ, अगर 2500-2600 रिलायंस होगा तो? मुझे लगता है 11600-11700 की तैयारी है ना, ज्यादा होगा तो 2500 रिलायंस हो गया, 2600 तो कहाँ, 12000 अब की बार 12000 सेठी साहब। वो सुमित जी है क्या आज? अभी सुमित जी बुधवार को नहीं होते ना, प्रॉब्लम ये है। सुमित जी कल वापस मिलेंगे, चल उनसे बात करिए बिल्कुल। लेकिन आपकी बात पर राकेश जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। राकेश जी बताइए।